हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डनशिप एक्ट को शुरू किया था और इस एक्ट की मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस बना दी हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डनशिप एक्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में ये वीडियो 5 रहेगी और इस वीडियो में ये पार्ट 5 में हम हिंदू माइनॉरिटी गार्डनशिप एक्ट का सेक्शन 9 डिस्कस करेंगे, जो कि टेस्टामेंट्री गार्जियन से डील करता है। मेरे दोस्तों, जैसे कि अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि गार्जियन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो माइनर की प्रॉपर्टी की और माइनर की केयर करता हो, और गार्जियन नेचुरल गार्जियन भी हो सकता है, टेस्टामेंट्री गार्जियन भी हो सकता है, डिफैक्टो गार्जियन भी हो सकता है, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम गार्जियन में टेस्टामेंट्री गार्जियन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सेक्शन 9 जो है वो इस एक्ट का टेस्टामेंट्री गार्जियन से डील करता है। जनरली क्या मीनिंग होता है टेस्टामेंट्री गार्जियन का? अगर मैं जनरल मीनिंग की बात करूँ, आपको बताऊँ सिंपल भाषा में, तो टेस्टामेंट्री गार्जियन का मतलब होता है गार्जियन अपॉइंटेड बाय द नेचुरल गार्जियन। अर्थात मेरे दोस्तों, जब कोई गार्जियन हमारे नेचुरल गार्जियन अपॉइंट करते हैं, ताकि नेचुरल गार्जियन के मरने के बाद जिसको अपॉइंट किया गया है वो गार्जियन बन जाए, तो वो गार्जियन टेस्टामेंट्री गार्जियन होता है। टेस्टामेंट्री गार्जियन का मतलब होता है गार्जियन अपॉइंटेड बाय द नेचुरल गार्जियन बाय देयर विल। जब नेचुरल गार्जियन अपनी विल बनाते हैं, अपनी इच्छा से किसी को गार्जियन अपॉइंट करते हैं, तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फादर एक नेचुरल गार्जियन है। सेक्शन 6 हमने पढ़ा था पिछली वीडियोज़ में। तो अगर फादर क्या करता है, वो अपनी विल बनाता है, विल में अपनी माइनर की प्रॉपर्टी के लिए किसी दूसरे को गार्जियन अपॉइंट कर देता है, तो जिसको गार्जियन अपॉइंट किया गया है वो टेस्टामेंट्री गार्जियन होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा टेस्टामेंट्री गार्जियन का मतलब है गार्जियन अपॉइंटेड बाय द नेचुरल गार्जियन, और गार्जियन अपॉइंटेड एट द विल ऑफ नेचुरल गार्जियन। जब कोई गार्जियन नेचुरल गार्जियन की विल से अपॉइंट होता है, कि इच्छा से अपॉइंट होता है, तो उसको हम टेस्टामेंट्री गार्जियन बोल देते हैं। सेक्शन 9 इसी को डील करता है। आइए सेक्शन 9 अच्छे से समझते हैं वेयर एक्ट के साथ, और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले सेक्शन 9 सब सेक्शन 8 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। अ हिंदू फादर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन। एक हिंदू फादर जो एंटाइटल्ड है कि वो नेचुरल गार्जियन का काम कर सके अपने माइनर चिल्ड्रन का, वो ही कैन बाई विल अपॉइंट अ गार्जियन फॉर एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन और इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी अदर देन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट रेफर अंडर सेक्शन 12 और इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ। क्या लिखा हुआ है कि जो एक हिंदू फादर है वो अपने माइनर लेजिटिमेट बच्चे के लिए या माइनर लेजिटिमेट बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए या फिर इन दोनों के लिए किसी को भी गार्जियन अपॉइंट कर सकता है विल के माध्यम से, अपनी इच्छा के माध्यम से, अपनी वसीयत बनाकर वो किसी को गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, और उस गार्जियन को हम क्या बोल देते हैं, टेस्टामेंट्री गार्जियन। तो 9 सब सेक्शन 1 साफ साफ बोल देता है कि एक फादर अपनी माइनर के लिए या माइनर की प्रॉपर्टी के लिए या दोनों के लिए, प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी, अदर देन विच इज़ रेफर अंडर सेक्शन 12, मतलब जो प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है माइनर का ज्वाइंट फैमिली में, उसके अलावा बाकी जो प्रॉपर्टी है माइनर की, जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है माइनर का, उसके लिए तो कर्ता ही लाइबल होगा, कर्ता ही उसकी देखरेख करेगा, पर जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के अलावा बाकी प्रॉपर्टी है उसकी बात की जा रही है, कि एक फादर जो है वो माइनर के लिए या माइनर की प्रॉपर्टी के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अदर देन जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अगर किसी माइनर का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, अभी उसका डिवीज़न नहीं हुआ उस इंटरेस्ट का, तो उस इंटरेस्ट के लिए तो कर्ता
लाइबल होगा, कर्ता उसकी देखरेख करेगा, माइनर नहीं सॉरी वो गार्जियन नहीं अपॉइंट किया जा सकता उसके लिए। ये हमारा सेक्शन 12 भी बोलता है साफ साफ, इसी एक्ट का हम आगे पढ़ेंगे। तो एक फादर अपनी माइनर के लिए, माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, दोनों के लिए विल के माध्यम से किसी को गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। अब दूसरा पॉइंट तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो आपको समझना पड़ेगा, सब सेक्शन 2 जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है जो हमें काफ़ी चीज़ें बताता है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, एज एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल हैव नो इफेक्ट इफ द फादर प्री डिजीज द मदर। फादर प्री डिजीज द मदर, मदर बट शैल रिवाइव इफ मदर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग बाई विल एनी पर्सन इज गार्जियन। क्या मतलब हुआ मेरे दोस्तों कि जो गार्जियन फादर ने अपनी विल के माध्यम से अपॉइंट किया था, अर्थात फादर ने जो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया था, वो टेस्टामेंट्री गार्जियन इफेक्ट में नहीं आएगा फादर की डेथ के बाद, अगर फादर की डेथ के बाद अभी मदर जीवित है। यही लिखा हुआ है ना कि गार्जियन अपॉइंटेड बाय द फादर अंडर सब सेक्शन 1 दैट इज टेस्टामेंट्री गार्जियन, दैट टेस्टामेंट्री गार्जियन वुड नॉट टेक इफेक्ट, वुड नॉट बिकम अ गार्जियन इन एक्चुअल इफ फादर प्री डिजीज्ड मदर, अगर फादर मदर से पहले मर जाता है। अर्थात यहाँ फादर भी है मदर भी है, दोनों जीवित हैं। फादर ने टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर दिया और फादर मर गया, मदर अभी जीवित है तो फादर के जरिए अपॉइंट किया टेस्टामेंट्री गार्जियन इफेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि मदर नेचुरल गार्जियन है अभी तक जीवित, मदर अभी तक नेचुरल गार्जियन है जीवित। और यही तो है जो हमारे हिंदू मैनोरिटी एंड गार्डनशिप एक्ट में चेंज आया है, मैंने पहली वीडियो में बताया था। पहले क्या होता था, फादर अपने जीते जी टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर मदर को नेचुरल गार्जियन बनने से रोक सकता था पहले कब, इस एक्ट के पहले। लेकिन इस एक्ट ने क्या कर दिया, मदर को नेचुरल गार्जियन बनने से फादर अब रोक नहीं सकता। अगर फादर ने अपने जीते जी किसी को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर दिया तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन इफेक्ट में नहीं आएगा अगर मदर जीवित है, मदर नेचुरल गार्जियन इफेक्ट में आ जाएगी। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर मदर मर जाती है बाद में मदर मर जाएगी, पहले फादर मर गया फिर मदर नेचुरल गार्जियन बन गई फिर मदर मर गई, तो उसके बाद जो फादर ने अपॉइंट किया टेस्टामेंट्री गार्जियन वो इफेक्ट में आ जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मदर ने अपने मरने से पहले किसी और को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर दिया, मदर ने अपने मरने के पहले किसी और को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर दिया, तो फादर ने जिसको टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया था वो फिर इफेक्ट में नहीं आएगा मदर के मरने के बाद, और जो बाद में अपॉइंट हुआ मदर के जरिए वो इफेक्ट में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, दो क्या बोलता है, इन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सब सेक्शन 1 बाई फादर विल नॉट टेक एनी इफेक्ट इफ फादर डाइज बिफोर मदर बट शैल रिवाइव, द्वारा से रिवाइव हो जाएगा वो इफ द मदर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग बाई विल एनी पर्सन एज ए गार्जियन। लेकिन वो जो फादर ने अपॉइंट किया वो रिवाइव हो जाएगा अगर मदर किसी को अपनी विल के माध्यम से अपॉइंट करती नहीं है एज ए टेस्टामेंट्री गार्जियन। अगर मदर अपॉइंट कर देती है तो फिर जो मदर ने अपॉइंट किया है वो इफेक्ट में आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 3 समझने वाला है मेरे दोस्तों, आप पेपर में आपको बेयर एक्ट क्लियर होना चाहिए, पेपर में बेयर एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, बाकी थ्योरेटिकल भी आप अच्छे से लिख सकते हो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब सेक्शन 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, ए हिंदू विडो, हिंदू विडो अर्थात जिसका हस्बैंड खत्म हो गया है, हिंदू विडो एंटाइटल टू एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन, जो हिंदू विडो एंटाइटल्ड है एज टू एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ हर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड ए हिंदू मदर एंटाइटल टू एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ हर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन बाई रीजन ऑफ द फैक्ट दैट फादर हैज बिकम डिस अनटाइटल टू एक्ट एज सच मे बाई विल अपॉइंट गार्जियन फॉर एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन और इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी अदर देन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट रेफर अंडर सेक्शन 12 और इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ। क्या बोलते हैं 9 सब सेक्शन 3 कि जो हिंदू विडो होगी, जो हिंदू विधवा होगी
जो कि नेचुरल गार्जियन के रूप में काम कर रही है आफ्टर फादर डाइस। जब एक फादर मर गया, एक हस्बैंड मर गया, उसके बाद नेचुरल गार्जियन रूप में जो काम कर रही है, या हस्बैंड जीवित है और नेचुरल गार्जियन रूप में काम कर रही है। क्यों कर रही है नेचुरल गार्जियन रूप में काम? क्योंकि हस्बैंड एंटाइटल्ड नहीं है एज ए गार्जियन काम करने के लिए। शायद वो डिसएंटाइटल्ड हो, किसी भी वजह से सिविल डेथ हो गई हो, या फिर उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया हो, या फिर और भी कोई रीज़न हो सकते हैं। तो ये जो हिंदू विडो होगी जो कि नेचुरल गार्जियन रूप में काम कर रही है, या ए हिंदू विडो एंटाइटल्ड एज नेचुरल गार्जियन फॉर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड ए हिंदू मदर। साथ में हिंदू मदर भी है। दो बातें यहाँ पे मैं वही सोच रहा था, दो बातें होनी चाहिए। एक तो हिंदू विडो जिसका हस्बैंड मर गया, एक हस्बैंड मरा जो हिंदू विडो है, वो टेस्टामेंट्री गार्जियन बाय विल अपॉइंट कर सकती है। हिंदू मदर भी टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है बाय विल, अगर फादर अभी जीवित है लेकिन फादर नेचुरल गार्जियन रूप में काम नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया भी था कि गीता हरिहरन वाले केस में, जो बड़ा लैंडमार्क केस है, उसमें क्या बोला गया था, सेक्शन 6 को लेकर ये केस था। सेक्शन 6 वाली वीडियो में बताया भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर जो सेक्शन 6 में लिखा हुआ है फादर एंड आफ्टर फादर द मदर, जो वर्ड आफ्टर है इसका मतलब आफ्टर डेथ ऑफ फादर नहीं है, इसका मतलब है अगर फादर डिसएंटाइटल्ड हो जाता है कुछ काम करने के लिए तो मदर बन सकती है नेचुरल गार्जियन। ये बात थी उसमें, उस केस में बोला था। अर्थात या तो फादर मर गया उसके बाद जो विडो है वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है, या अभी फादर मरा नहीं है वो जीवित है लेकिन वो वो नेचुरल गार्जियन रूम में काम नहीं कर सकता, तो हिंदू मदर भी टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। कैसे कर सकती है? उसे सेक्शन 9 सबसे 3 में पावर दी गई है वो माइनर की प्रॉपर्टी के लिए और माइनर के लिए, दोनों के लिए वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। आगे फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, अगर मैं अगला पॉइंट बताऊँ आपको, फोर्थ पॉइंट नाइन सब सेक्शन 4, ये क्या बोलता है, ये बोलता है अ हिंदू मदर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ हर माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन मे बाय विल अपॉइंट अ गार्जियन फॉर एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन और माइनर्स प्रॉपर्टी और इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ। इन चार पॉइंट्स तक हमें क्या समझ आता है? हमें ये समझ आता है कि टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन कौन अपॉइंट कर सकता है। पहली बात, एक फादर जो नेचुरल गार्जियन है वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। एक मदर जो फादर के जीते जी नेचुरल गार्जियन रूम में काम कर रही है, फादर डिसएंटाइटल्ड है नेचुरल गार्जियन रूम में काम करने के लिए, वो नेचुरल गार्जियन मदर जो है वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। तीसरी, एक हिंदू विडो जिस जो विधवा हो गई है जिसका हस्बैंड मर गया है वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। और चौथा है हिंदू मदर ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। आपको यहाँ समझना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। देखो, फादर नेचुरल टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, यहाँ मदर जो मदर बात कर की जा रही है यहाँ पे, ये मदर कौन सी है? लेजिटिमेट चिल्ड्रन की मदर है। जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन है उनकी मदर भी टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है अगर फादर के जीते जी मदर नेचुरल गार्जियन रूम में काम कर रही है, क्योंकि फादर नेचुरल गार्जियन रूम में काम करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। तीसरी, हिंदू विडो, हस्बैंड मर गया अब विडो भी टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। फोर्थ है हिंदू मदर ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो कि नेचुरल गार्जियन होती है सेक्शन 6B के हिसाब से। तो ये चारों पर्सन टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं? माइनर की प्रॉपर्टी की देख रेख करने के लिए और माइनर की देख रेख करने के लिए, मतलब माइनर की बॉडी की और माइनर की प्रॉपर्टी की, या दोनों की। बस ये हमारे सब सेक्शन 4 तक पॉइंट्स जो हमने पढ़े। अब जो हमारा सब सेक्शन 5 है वो बात करता है पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन, कि टेस्टामेंट्री गार्जियन की पावर क्या होंगी। टेस्टामेंट्री जो गार्जियन होंगे, जो गार्जियन माता पिता ने अपॉइंट कर दिए, वो उनकी पावर क्या होंगी। 9.5 पावर ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन। मेरे दोस्तों, अगर मैं टेस्टामेंट्री गार्जियन की पावर की बात करूं तो इनकी पावर बड़ी सिंपल है। अगर आपको नेचुरल गार्जियन की पावर पता हो ना, तो इनकी पावर अपने आप लग जाएगी। नेचुरल गार्जियन की पावर का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 8 है, इससे पीछे वाला।
तो पिछली वीडियो में डिस्कस किया मैंने, अगर आपने वो नहीं देखी है वो जरूर देखें, वो अगर पता है आपको तो ये आपको अपने आप समझ आ जाएगी। क्या बोलता है सेक्शन सब सेक्शन 5 9 का 5 क्या बोलता है, द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाई विल हैज द राइट टू एक्ट एज द माइनर्स गार्जियन आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर्स फादर और मदर एज द केस मे बी एंड टू एक्सरसाइज ऑल द राइट्स ऑफ नेचुरल गार्जियन अंडर दिस एक्ट टू सच एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी एज आर स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट एंड इन द विल। क्या लिखा हुआ है कि जो गार्जियन अंडर 1 से लेकर 4 सब सेक्शन के बीच जो गार्जियन अपॉइंट हुए हैं, फादर ने अपॉइंट किया टेस्टामेंट गार्जियन या मदर ने या विडो मदर ने या इन्होंने जो अपॉइंट किए पीछे, उन गार्जियन के पास वो सारी की सारी पावर्स होंगी, वो सारी की सारी पावर्स होंगी जो नेचुरल गार्जियन के पास होती हैं। टेस्टामेंट्री गार्जियन के पास सारी की सारी पावर होंगी जो नेचुरल गार्जियन की पावर अंडर सेक्शन 8 है, जो सेक्शन 8 में नेचुरल गार्जियन की पावर है वो सारी की सारी पावर टेस्टामेंट्री गार्जियन की भी होंगी, एक्सेप्ट लिमिटेड बाय द विल, जो विल बनाई गई थी जिस विल के अंडर टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट हुए नेचुरल गार्जियन के जरिए, उस विल में अगर कोई पावर लिमिट कर दी गई हो तो फिर लिमिटेशन अप्लाई हो जाएगी, पर अगर कोई पावर लिमिट नहीं की गई है तो टेस्टामेंट्री गार्जियन के पास वो सारी पावर होंगी जो नेचुरल गार्जियन के पास होती हैं। ये सब सेक्शन 9 हमारा सिंपल भाषा में यही बोलता है। मेरे दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर मैं सब सेक्शन 9 के 5 में बात करूँ नेचुरल गार्जियन की जैसी ही पावर होंगी तो नेचुरल गार्जियन की पावर क्या है वो सेक्शन 8 में बोला गया है। सेक्शन 8 में बोला गया है कि नेचुरल गार्जियन वो सब कुछ कर सकता है माइनर के लिए, माइनर की प्रॉपर्टी के लिए जो उसके लिए बेनिफिट में हो, उसकी प्रॉपर्टी के बेनिफिट में हो, लेकिन वो बिना कोर्ट की सहमति के माइनर की प्रॉपर्टी को मोर्टगेज में, सेल में, गिफ्ट में, एक्सचेंज में, लीज में फॉर मोर देन 5 ईयर और फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी वो नहीं दे सकता। ऐसी ऐसी बातें हमने सब सेक्शन 8 में पढ़ी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ वीडियो जरूर देखिए, आपको ये सारा सेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो टेस्टामेंट्री गार्जियन के पास वो सारी पावर है जो कि एक नेचुरल गार्जियन के पास पावर्स होती हैं। अब सब सेक्शन 9 6 क्या बोलता है, लास्ट का 6 क्या बोलता है, द राइट ऑफ द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय द विल शैल वेयर द माइनर इज अ गर्ल सीज ऑन हर मैरिज। क्या बोला गया कि अगर टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया गया है गर्ल के लिए तो जितने भी राइट्स होंगे जो सेक्शन 8 में बताए गए नेचुरल गार्जियन की राइट्स पावर जो भी है वो सारी के सारी जो राइट्स हैं वो गर्ल के रिस्पेक्ट में तब खत्म हो जाएंगे जब उस गर्ल की मैरिज हो जाएगी। तो सेक्शन 6 में साफ साफ बात बोल दी कि जब गर्ल की मैरिज हो जाएगी उसके बाद वो राइट्स ख़त्म हो जाएंगे, जब तक मैरिज नहीं होती है तब तक वो राइट्स रहेंगे, चाहे फिर वो लड़की मेजर हो जाए लेकिन जब तक मैरिज नहीं होती तब तक राइट्स रहेंगे, जैसे मैरिज हुई तब वो राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो। तो आपको एक बात क्लियर कर दूं मैं कि हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट के आने के बाद अब मदर को स्टेटस मिला है कि वो उसे कोई नेचुरल गार्जियन बनने से हटा नहीं सकता। 1956 में जो एक्ट से पहले क्या स्टेटस था, फादर जो नेचुरल गार्जियन था वो मदर को नेचुरल गार्जियन रूप में काम करने से रोक सकता था टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करके, पर अब अगर फादर टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर देता है और मदर जीवित है तो फादर के मरने के बाद मदर नेचुरल गार्जियन बन जाएगी, टेस्टामेंट्री गार्जियन इफेक्ट में नहीं आएगा, और मदर के मरने के बाद फिर वो टेस्टामेंट्री गार्जियन इफेक्ट में आ सकता है। पर अगर मदर ने अपने जीते जी कोई और टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर दिया तो फादर के जरिए अपॉइंट किया टेस्टामेंट्री गार्जियन खत्म हो जाएगा, मदर ने जो बाद में अपॉइंट किया वो टेस्टामेंट्री गार्जियन इफेक्ट में आ जाएगा। और पावर्स क्या होंगी टेस्टामेंट्री गार्जियन की, वो सारी पावर्स होंगी जो नेचुरल गार्जियन की होती हैं, एक्सेप्ट इफ पावर्स आर लिमिटेड बाय द विल, अगर वसीयत बना के पावर को लिमिट कर दिए तो अलग बात है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस।